तत्काल न्यूज़ लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज़ लाइव। नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने आंदोलन को बुधवार को 84 दिन पूरे हो चुके हैं। किसान दिल्ली के सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन में शामिल एक शख्स ने मंगलवार रात पुलिस अधिकारी पर तलवार से हमला कर दिया। इसके बाद वह पुलिस अधिकारी की गाड़ी लेकर भाग गया। घायल SHO को अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने बुधवार को बताया कि आरोपी का नाम हरप्रीत सिंह है। उसने रात करीब 8 बजे सिंघू बॉर्डर पर यह वारदात की। पुलिस के जवानों ने PCR वैन ने उसका पीछा किया। भागने के चक्कर में हरप्रीत मुकबरा चौक के पास फुटपाथ में गाड़ी घुसा दी। इसके बाद वह एक शख्स से बाइक छीनकर फरार हो गया। पुलिस ने करीब 8:30 बजे उसे पकड़ लिया। सूत्रों का कहना है कि आरोपी मेंटली अनस्टेबल है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने यह दावे की पुष्टि नहीं की है। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच शुरू है।